मैं आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ मार्केट क्या लगता है के एपिसोड में। मार्केट अभी पॉजिटिव ट्रेंड में चला है। आप अगर वीकली चार्ट देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जिग जैग होके नीचे जा रहा था और पॉजिटिव ट्रेंड में दो वीक से चल रहा है। डेली कैंडल चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्लैरिटी के साथ हम देख पा रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड रिट्रेस होने की बार बार कोशिश कर रहा था और यहाँ पे लास्ट चार पाँच दिन या आप अगर देखेंगे हाँ लगभग 5 दिनों से मार्केट पॉजिटिव तरफ जा रहा है और धीरे धीरे से पॉजिटिव जा रहा है। सब कभी पूछ रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। आज हम बात करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन यहां पर आने वाले दिसंबर तक किस तरफ हो सकता है। तो हम डायरेक्टली वीकली कैंडल चार्ट में चले जाएंगे और क्लियरली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न लास्ट 2 साल में बनाया हुआ है और यहाँ पर ब्रेकआउट उसको अच्छा सा नहीं मिला था। अभी मार्केट आप अगर देखेंगे वीकली चार्ट में तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना रहा है। फ्लैग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है तो मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। तो पहला जो टारगेट है 18,900, तो यहाँ से लगभग 1,500 पॉइंट बढ़ सकता है मार्केट, ठीक है। और इसके आगे कहाँ तक जा सकता है तो क्लैरिटी के साथ मैं बता दूँ। फ्लैग पैटर्न में पहले जो बुल रन दिया था, जैसे कि यहाँ से लेके ये हाई तक कितने पॉइंट्स का हो रहा है, लगभग 3,500 पॉइंट, 3,700 पॉइंट, 3,500 पॉइंट, तो उसी तरह यहाँ से आप 3,500 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो ये ब्रेकआउट से। ठीक है, तो 21,000 मार्केट का आप प्रेडिक्शन रख सकते हो। टाइम पीरियड लग सकता है 6 महीने, ठीक है, 6 महीने या फिर 1 साल तक, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन इस पैटर्न के हिसाब से तो पॉजिटिव लग रहा है। तो आप अगर मार्केट में बाई साइड में बैठना चाहते हो तो अच्छे स्टॉक्स अभी से बाई कर सकते हो। जितने भी PMS प्रोवाइडर हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के प्रोवाइडर हैं, उनका मानना है कि मार्केट के चढ़ाव जब शुरू होता है तभी फिलहाल इन्वेस्ट करना सही रहता है। मार्केट गिरने के टाइम में आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन जब मार्केट बढ़ता है तभी आपको निवेश करना चाहिए। ऐसा ही पहली बार नहीं हुआ है, यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर भी फ्लैग पैटर्न बिना फ्लैग पैटर्न आप यहाँ पर भी देख सकते होगे जब सेकेंड कोविड आया था, ठीक है। इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद आप अगर देखोगे यहाँ पे तो लगभग रैली इस जगह से यहाँ तक लगभग 8,000 पॉइंट का रैली हुआ था, ठीक है। उसी तरह यहाँ से ये ब्रेकआउट से कितना 8,000 पॉइंट अगर हम देखें, एक सेकेंड, तो इसके हिसाब से और भी रैली और बाकी है। 23,000 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन ये जो रशिया यूक्रेन का जो ट्रेड वार आया और ये सब सिचुएशंस के कारण मार्केट रिट्रेस होने लगा। तो इससे पहले भी और एक रिट्रेसमेंट है यहाँ पे हमने देखा था, राइट, ये एक रिट्रेसमेंट था और इसके बाद भी बहुत अच्छा मार्केट रैली दिया था, प्रीवियस हाई को टच किया था। तो यहाँ से मार्केट अगर प्रीवियस हाई को भी टच करता है तो आपको शानदार रैली देखने के लिए मिलेगा, लगभग 1,300-1,500 पॉइंट का रैली। और यहाँ पे ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो 3,500 पॉइंट का रैली पक्का है। तो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ किया था तो हमको 2,200 का टारगेट मिला है। यहाँ तक तो मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए जा सकता है। तो आप लोग अगर निवेश करना चाहते हो तो ये अच्छा समय है। अभी आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं उन सब स्टॉक्स में पैसे डाल सकते हो। याद रखिए, डेट फ्री कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा जिसमें लोन्स नहीं हैं, क्योंकि लोन्स रेट बहुत हाई चल रहा है 6.5, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालेगा। तो निफ्टी के हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दे रहा है 17,800 तोड़ता है तो यहाँ पर एक 3,000 पॉइंट का रैली आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड या किसी स्टॉक्स में फंसे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।